अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फेसबुक से अपने ऐड जीमेल को, जिसको आपने ऐड करा होता है, आप उसको किस तरह से हटा सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हो। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं चलते अपने फेसबुक की तरफ। तो आपने सिंपली अपने फेसबुक को ओपन कर लेना। फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने राइट साइड पर थ्री कॉर्नर पर क्लिक करना और यहाँ से अपने सेटिंग को आपने ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने को नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ से आपने करने के कॉन्टैक्ट इन्फो पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो है ईमेल जो है आपने जीमेल जो ऐड करा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन ईमेल के ओनली मी के नीचे कोई भी जो है रिमूव का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आपने इसको कैसे जो है रिमूव करना है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपली बैक चले जाना है दोस्तों। जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल ऐड करना है, कोई दूसरा ईमेल ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड ईमेल एड्रेस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ दोस्तों के पास इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके के ये पेज का कंटेंट नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। ये आपने ओरिजिनल फेसबुक में, जो ओरिजिनल फेसबुक पे था, ये उसमें मसला आता है दोस्तों, और कोई चीज़ में मसला नहीं आता। आपने बैक जाना है, इसको हटा देना है, मुकम्मल इसको मिनिमाइज से बिल्कुल हटा देना है। आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने FB लाइट यानी फेसबुक लाइट को डाउनलोड करना है। फेसबुक लाइट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आ रही है दोस्तों। लेकिन FB लाइट को डाउनलोड करने के बाद आपके पास नहीं करो, सिंपली FB लाइट को डाउनलोड करिए और यहाँ पर अपना नंबर वगैरह और पासवर्ड आपने दे देना है दोस्तों, और अपना फेसबुक लाइट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वैसे आपने चले जाना है सेटिंग में दोस्तों। जैसे कि मैं सेटिंग को यानी ओपन करता हूं दोस्तों, यहां से आपने सेटिंग को ओपन करना है और फिर से आपने वही प्रोसेस करना है पर्सन एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने के लिए। और हाँ दोस्तों, जब आपका प्रॉब्लम सोलो तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और यहाँ से आपने एडिट पर क्लिक करना है दोस्तों, अपने ई मेल को सिलेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पर आपने एड ई मेल पर क्लिक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब यहाँ से आपसे क्या करना है, दूसरा ई मेल यहाँ पर आपने जो है पेस्ट करना है। और यहाँ से अगर आपका पासवर्ड पूछा जाए आपके ईमेल का तो वो आपने इंटर कर देना है दोस्तों। अगर पासवर्ड ना पूछे तो कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं। और यहाँ से आपने एड ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे आप एड ईमेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कन्फर्म ईमेल एड्रेस, तो आपने सिर्फ कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपके ईमेल पर कुछ ही सेकेंड के बाद एक 5 हिंसों का OTP कोड गया होगा दोस्तों। वो आपने जल्दी से जाना है अपने ईमेल को क्लिक करना है। आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपने खुद जाके चेक करना है और वहाँ से एक छोटा सा कोड होगा 5 हिंसों का दोस्तों। तो आपने उसको यानी कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। और पेस्ट जैसे कर देंगे दोस्तों तो आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तभी आपका जो है अकाउंट रिमूव होगा, लेकिन अभी भी छोटा सा एक प्रोसेसिंग बाकी है सबमिट होने के बाद। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। इससे बिल्कुल यहाँ पर आपने मिनिमाइज में जाना, इसको मुकम्मल यहाँ से आपने मिनिमाइज से हटा देना है, अपने फेसबुक को यहाँ से मुकम्मल आपने हटा देना है। जैसे हटा देना है फिर से आपने फेसबुक लाइट को ओपन करना है और सेटिंग में जाना है और आपने चेकआउट करना है। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोसेसिंग बाकी है, फिर से जाना है अपनी सेटिंग में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ असल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फिर से ईमेल एड्रेस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको दिख जाएगा ईमेल एड्रेस जो अभी आपने बनाया, तो आपने उस पर क्लिक करना है और नीचे आपको दिख जाएगा दोस्तों प्राइमरी ईमेल, नीचे नीचे जिसको आपने रिमूव करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरह के, अभी जो आपने ईमेल एंटर किया था आपने उसको टिक लगाना है दोस्तों, डॉट, और सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे दोस्तों और जो आपका पहले वाला जीमेल होगा दोस्तों वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे जिसको रिमूव करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन भी आ चुका है। तो सिंपली आपने उस जीमेल के रिमूव के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जीमेल है जिसको मैंने रिमूव करना है और रिमूव ईमेल पर आपने क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ईमेल है वो रिमूव हो जाएगा, जो आपका रिमूव नहीं हो रहा था। ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो चुका है दोस्तों, और जो आपने नया ऐड करना था वो आपका ऐड हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने ईमेल या जीमेल को आप रिमूव कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर और भी कोई मसला वगैरह आता है फेस या दर व्हाट्सएप तो आपने ज़रूर मुझे यानी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।